मैं बहुत सोने का कोशिश की पर सो नहीं पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लूं। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन पहले ना एक सूट पीस ली थी और उसे दी थी सिलने के लिए। वो सिल के भी आ गया है, पर उसके सिलाई से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज उसकी जो सिलाई है वो फिटिंग जो है उसकी वो सही तरीके से नहीं है। मतलब मेरे बॉडी में कहीं काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जा रहा है, तो कहीं काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जा रहा है। तो फिर मैं उसे दूंगी अच्छे से फिर से फिटिंग कर लेने, क्योंकि वो जिसको मैंने सिलाई करने के लिए दिया है वो बहुत अच्छा सिलाई करती है। उनका मैंने सैंपल भी देखा है, गाउन उन बनाती है। तो पता नहीं क्यों जो है ड्रेस ऐसा हो गया, मेरा सूट पीस ऐसा हो गया है। थोड़ी सी उदास हूँ क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि घर भी जाना है। समर वेकेशन का हॉलीडे जो है वो बहुत नज़दीक आ गया। अब मेरी बेटी का 3 दिन स्कूल होगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। तो मैंने घर जाने का मन बनाया है कि मम्मी पापा के पास घर जाएंगे, और उसके बाद से हम लोग में एक बट सावित्री होता है, वो भी बहुत नज़दीक आने वाला है। तो मैंने सोचा था यही सूट पहन के मैं वो पूजा कर लूँगी, क्योंकि वो पूजा जो होता है सो बिना पहने हुए कपड़ों से, जिसे आपने कभी यूज़ नहीं किया है, वो पहन के ही पूजा होता है। तो मैंने सोचा कि साड़ी तो मैं उतना पहनती नहीं हूँ, तो साड़ी लेके बेकार होगा, तो क्यों ना मैं सूट पीस ही ले लूँ और उससे सिला के उस दिन पहन लूँ। पर अब लगता नहीं कि पॉसिबल है, कोशिश तो लगी हुई है कि हो जाए, पर और आम का भी सीज़न है तो घर जाएंगे तो आम खाएंगे, क्योंकि हम लोग के बहुत बड़ा बगीचा है आम का, बहुत सारा। इस बार आम बिहार में जो है बहुत फला है, पत्ता दिखता नहीं है और फल जो है पूरा पेड़ में लगा हुआ है। तो इस बार जो है आम तो सस्ता होगा ही और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप कितना भी खरीद के खा लीजिए फ्रेंड्स, लेकिन जो अपने पेड़ का खाने का मज़ा आता है ना, वो किस कहीं और का मज़ा नहीं आता है। इसीलिए इस बार बहुत मस्ती धमाल होगा, तो मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ। मैं एक एक दिन काउंट कर रही हूँ कि कब मुझे घर जाने को मिलेगा, कब घर जाने को मिलेगा, कब मेरी बेटी का लास्ट स्कूल होगा और उसके बाद बंद हो जाएगी जो मुझे घर जाने को मिलेगा। पर अभी तक मैंने कोई पैकिंग नहीं की है, कुछ भी नहीं। आजकल करते करते मतलब टाइम निकलते जा रहा है, फिर जब जाने की जल्दी होती है, जैसे कल जाना है तो आज रात में पूरा पैकिंग होती है, उठा पटक होती है, मतलब इतना मतलब परेशानी हो जाती है उस समय कि जो ही सामान ढूंढो वही नहीं मिलते रहता है। मुझे घर जाने की इतनी एक्साइटमेंट है कि देख रहे हैं, मैं जो अपने भाई के एंगेजमेंट में आई तो बैग भी अंदर नहीं डाला, सब ऐसे रखा हुआ है। हाँ, इसमें से कपड़े निकल चुके हैं लेकिन बैग ऐसे ही रखा हुआ है कि अंदर डालूंगी फिर निकालूंगी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि 1 महीना बहुत दिन है, मैं तो सोची थी 1 महीना यूँ बीत जाएंगे। तो बैग सब ऐसे ही बाहर में पड़ा हुआ है, थोड़े से गंदे भी हो गए, इसे सफ़ा करना होगा, फिर से पैकिंग करनी होगी। इतना घर जाने का एक्साइटमेंट है फ्रेंड। आप लोग का मैसेज आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ मैसेज आया है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट को ज़रूर फुलफ़िल करूँगी। उन्होंने हेयर ऑयलिंग का रिक्वेस्ट किया है, तो मैं हेयर ऑयलिंग का ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगी, पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको देखना है तो मैंने बहुत पहले हेयर ऑयलिंग का विंटर सीजन का मैंने अपलोड किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि ऑयल मसाज वो विंटर हो या समर, किसी भी वेदर में आप यूज कर सकते हैं, किसी भी मौसम में आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऑयल जो होता है वो किसी भी मौसम के लिए चेंज नहीं होता है, बस फर्क इतना हो जाता है कि इतना ही होता है कि होममेड ऑयल थोड़ी हैवी होती है और मार्केट से ख़रीदा हुआ जो ऑयल होता है वो थोड़ा लाइट होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। फिर भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे आगे बढ़ने का हिम्मत देता है, मुझे और वीडियो बनाने के लिए इनक्रेज करता है। तो इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को देखिए। आज मैं आप लोगों से अपना लिप लाइनर जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी नया नया ख़रीदा है एक लिप लाइनर। एक टाइम हो गया जो मैंने अभी तक लिप लाइनर नहीं ख़रीदा था, पर वो लिप लाइनर जो है मैं एज अ लिपस्टिक के रूप में ख़रीदी हूँ। लिपस्टिक यूज़ करूँगी, उसको पूरे होठ पर लगाऊंगी, सिर्फ लाइनर नहीं डालूंगी, और कलर मुझे बहुत प्यारा लगा तो इसीलिए मैंने ख़रीद लिया इसे।
ये मैंने खरीदा है, इसका कलर जो है वो कलर जो है ये मेहरून कलर में है, ये रेड कलर में नहीं है, मेहरून कलर में है, पर पता नहीं क्यों वीडियो में ये मुझे पिंक पिंक टाइप से हल्का दिख रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेहरून कलर में है। ये जब मैं होंठ पर लगाती हूँ तो इसका कलर बहुत निखर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है नेचुरल होठ हो, जैसे लगता है नेचुरल होठ हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे ले लिया। बस इसमें थोड़ी सी डिमेरिट ये थी कि इसे खोल के नहीं देख सकते थे, पूरी तरह से सील थी, तो मैंने बस इसका कवर देख के लिया और बोला कि देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि मैंने इसे कहीं पर भी ट्राई नहीं किया, तो सीधा घर लेके आई हूँ तभी मैं इसे ट्राई की, लेकिन थैंक गॉड ये बहुत अच्छा कलर दे रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया और मुझे मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ कि बहुत अच्छा कलर है। हो चुकी है तो ये टाइम है कॉफ़ी टाइम, अब मैं कॉफ़ी टाइम जो है वो मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीते पीते अपने मम्मा को कॉल करती हूँ और मम्मा से बात करती हूँ, तो मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने, कॉफ़ी बना के आऊँगी तो फिर मम्मा से बात करूँगी, फिर आप लोगों से बात करूँगी। मेरे किचन में जो है लाइट बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले वाला जो बल्ब था वो ख़राब हो चुका, तो फिर मैंने बल्ब चेंज कर दिया और मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, पहले इस साइड उतना रोशनी पूरे किचन में नहीं फैलती थी, चेंज कर दिया जिससे पूरा किचन रोशनी आता है, अब कोने कोने दिखती है हमें, पहले क्या था कि एक साइड ही रोशनी आता था, दूसरे साइड पूरा अंधेरा अंधेरा लगता था पहले वाला बल्ब और डायरेक्शन से, लेकिन अब जो है पूरा किचन रोशनी लगता है, पूरा किचन दिखता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरी बेटी का, जब छोटी थी और बोतल में दूध पीती थी तब का ये बोतल है, अभी यहाँ यहाँ पर रखा है, पर यहाँ से हटा के किसी सेफ जगह रख दूँगी। और ये रहा रबर, में रबर को जब भी किसी पैकेट में लग के आता है तो मैं उसे इस टाइप से रख लेती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो बहुत इजीली और बहुत आसानी से मुझे मिल जाए और यूज़फुल हो। फूलने के लिए दिया है, शाम को जो है चने दाल का चटनी बनाऊंगी, थोड़ा सा परवल उरवल मिला के, मेरा जो चटनी बनाने का तरीका था बहुत अलग होता है, लेकिन सभी बोलते हैं कि आपका चटनी बहुत टेस्टी होता है, तो ये मैंने चने दाल फूलने के लिए दे दिया है, शाम को मैं इससे चटनी बनाऊँगी। कॉफ़ी बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ, अब मुझे मम्मी से बात करने का टाइम हो गया है। सुबह हो चुकी है और सुबह की जो ये वेदर मौसम होती है बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा थोड़ा धूप और चिड़िया की चहचहाहट बहुत ही अच्छा लगता है इस समय का वेदर, और हाथ में एक कॉफ़ी हुआ जाए तो और भी अच्छा लगता है व्यू। मेरा फेवरेट प्लेस में से है, सबको मालूम है मैं अक्सर यहीं पे खड़ी होती, क्योंकि उस साइड जो है पूरा खुला आसमान, हरे हरे पेड़ पौधे, तो मुझे ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है।